गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं फिर एक बार जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हमारे सेगमेंट किस्सा क्रिमिनल केस के इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं एक और लैंडमार्क डिसीजन जो आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड के जितने भी आपके क्वेरीज हैं उनको और एलिब्रेट करेगा, एक्सटेंड करेगा। आज का जो हमारा केस है लैंडमार्क डिसीजन की कहानी में कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ MP, बहुत ही शानदार केस है लैंडमार्क, जिसमें आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 को ये एलिब्रेट करता है, एक्सटेंड करता है, उसके स्कोप को प्रोवाइड करता है। किससे के फैक्ट सुनिए, इस क्रिमिनल केस के बैकग्राउंड के फैक्ट सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसमें कश्मीरा सिंह होता है और यहाँ पर जो डिसीज्ड होता है, जो विक्टिम होता है, वो एक छोटा लड़का होता है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। रमेश नाम का एक डिसीज्ड होता है जिसकी हत्या की जाती है सिर्फ बदले के लिए, रेवेज लेने के लिए। कश्मीरा सिंह जो यहाँ पर एक काम करता था, यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट में ये काम करता था, लेकिन ये थोड़ा इलीगल वर्क करता था, वहाँ पर चावल को पॉलिश करने का चोरी छिपे काम किया करता था। इस कारण जो इसका बॉस होता है, इसे इस कारण कंप्लेन करके इसे निकाल दिया जाता है और इसके साथ चार लोगों को और निकाल दिया जाता है इस सारी कॉन्स्पिरेसी में शरीक होने के लिए। इसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। नौकरी से सस्पेंड करने के कारण इसके मन में एक बदला पैदा होता है, एक रेवेंज की भावना पैदा होती है। ये जो इसका बॉस होता है मिस्टर तिवारी, उसका एक लड़का होता है रमेश, जो एक बच्चा होता है उसको मारने की धमकी देता है, क्योंकि इसके दिल में रेवेंज की भावना डेवलप हो चुकी थी। ये अपनी रेवेंज को शांत करने के लिए उस बच्चे को मारने की कॉन्स्पिरेसी रचता है। इस कहानी में तीन लोग और हैं, जिसमें एक का नाम है प्रीतिपाल सिंह, जो इसका भतीजा होता है, इसका भाई होता है गुरुदयाल सिंह, जो इसका भाई होता है, और एक पर्सन और होता है जिसके जो इसका दोस्त होता है गुरुबच्चन सिंह। यहाँ पर जो कहानी चलती है गुरुबच्चन सिंह और कश्मीरा सिंह पर डिपेंड है ये पूरी कहानी, ये केस इर्द गिर्द घूमता है कश्मीरा सिंह और गुरुबच्चन सिंह में। 26 दिसंबर 1949 को एक रिलीजियस प्रोग्राम होता है गुरुद्वारे में, जहाँ पर उस कस्बे के, उस शहर के सारे लोग उस गुरुद्वारे में होते हैं। प्रतिपाल किसी न किसी बहाने उस बच्चे को जिसका मर्डर किया जाता है रमेश को, किसी न किसी बहाने वहाँ से बुलाकर लाता है और वो बच्चा गुरुदयाल सिंह के घर पर कैसे न कैसे लालच देकर पहुँचा दिया जाता है। वहाँ पर गुरुबच्चन सिंह और कश्मीरा सिंह उस बच्चे का मर्डर कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद उस बच्चे का जो शव है एक बोरे में भर दिया जाता है और बोरे में भरकर उस लाश को डिस्पोज करने की वो प्लानिंग करते हैं। और वो पैदल पैदल काफ़ी दूर, अकॉर्डिंग द केस स्टोरी, पैदल पैदल काफ़ी दूर कश्मीरा सिंह और बाकी लोग उसको पैदल पैदल काफ़ी दूर, यानी 3/4 किलो जो है चौथाई दूरी वो पैदल तय करते हैं। उसके बाद एक रिक्शा हायर किया जाता है जो बाद में प्रोसिक्यूशन विटनेस बनता है, और रिक्शा हायर करके वो किसी कुएं में उस रिक्शे वाले के सामने उस लाश को फेंक देते हैं। केस का ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल कहता है यहाँ पर सेक्शन 30 को इम्पोर्टेंस भूमिका निभाएगा भारतीय एविडेंस एक्ट का। ट्रायल शुरू होता है जिसमें इसका दोस्त गुरुबच्चन सिंह अपने पूरे क्राइम को एडमिट कर लेता है और ये कहता है कि मैंने और कश्मीरा सिंह ने मिलकर ये मर्डर किया था। कश्मीरा सिंह इस मामले में कुछ नहीं बोलता है, वो अपने गिल्ट को, अपने दोष को, अपने मर्डर को, अपने क्राइम को एडमिट नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ गुरुबच्चन सिंह ये भी एडमिट करता है कि ये मर्डर मैंने और कश्मीरा सिंह ने मिलकर किया था, इस तरीके से किया था और लाश को डिस्पोज किया था इस तरीके से। कहानी आगे चलती है, गुरुबच्चन सिंह जो है यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाता है और उसकी कहानी आगे चलती है और वो जिसे कहते हैं पूरी कहानी को नरेट करता है कि मैंने और कश्मीरा सिंह ने मिलकर ये हत्या की साजिश रची थी और हम दोनों ने मिलकर हत्या की है और लाश को इस तरीके से डिस्पोज किया जाता है। रिक्शा पुलर को प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया जाता है और कहा जाता है कि साहब ये रिक्शा पुलर ने इस तरह लाश को लेकर गया, उसे नहीं पता था कि इस बोरे में लाश है, सिर्फ वो बोरा लेकर गया था, बाकी लोग इनके साथ थे और उसके सामने उस बोरे को एक कुएं में फेंक दिया जाता है। कहानी पैदा होती है कि क्या गुरुबच्चन सिंह और इस रिक्शा पुलर के स्टेटमेंट के आधार पर कश्मीरा सिंह को कन्विक्ट किया जा सकता था या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट अपना रोल यहाँ पर निभाने को तैयार है, जिसमें कहा जाता है कि यदि
किसी ट्रायल में दो एक्यूज या दो से ज़्यादा एक्यूज का ट्रायल किया जा रहा है, तो यदि एक ने कन्फेशन कर लिया तो कोर्ट उस कन्फेशन को दूसरे अभियुक्त के खिलाफ काम में ले सकती है, कंसीडर कर सकती है, दूसरे अभियुक्त के खिलाफ कंसीडर कर सकती है उस कन्फेशन को जो सह अभियुक्त का कन्फेशन है, मगर क्या उस कन्फेशन के आधार पर जो है दूसरे एक्यूज को सजा दी जा सकती है, उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। यहाँ परीक्षा पूलर का जो स्टेटमेंट था, गवाही थी, वो कितनी ट्रस्टवर्थी मानी गई, कितनी रिलायबल मानी गई, तो यहाँ पर कई पॉइंट निकल कर आए। सबसे पहला पॉइंट आया कि जो रिक्शा पुलर था उसने उसी दिन से रिक्शा चलाना चालू किया था, उसके पास कोई ऑथेंटिक लाइसेंस नहीं था, तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि 3/4 दूरी उन्होंने पैदल तय की और फिर वो अननोन रिक्शा वाले को हायर करेंगे अब उस लाश को डिस्पोज करने के लिए, और फिर हायर भी कर लिया तो उस लाश को डिस्पोज रिक्शा पुलर के सामने करेंगे, हाउ कैन इट इज पॉसिबल। डिफेंस अपना ये आर्गुमेंट लेता है कि एक अनोन रिक्शा चालक को हायर किया, वो भी सिर्फ 1/4 डिस्टेंस को कवर करने के लिए, सबसे पहला काम। दूसरा, उस रिक्शा चालक के सामने उस बोरे को फेंका तो वो जानबूझकर ऐसा विटनेस क्यों बनाएंगे जो उनको बाद में फंसा सके, ऐसा विटनेस जानबूझकर क्यों बनाएगा। तो यहाँ पर रिक्शा पुलर की जो टेस्टी बनी थी उस गवाही को कंसिडरेशन नहीं किया गया, उसको एविडेंस को जो है कंसिडरेशन नहीं किया गया। फिर सेकेंड आता है कि गुरु बच्चन सिंह जो यहाँ पर इसका सह अभियुक्त था, जिसने कॉन्स्पिरेसी करने में और हत्या करने में बराबर भूमिका निभाई थी, क्या इसके स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट इस कश्मीरा सिंह को फांसी की सजा दे सकती थी? क्या यहाँ पर सेक्शन 30 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इंडियन एविडेंस का जो है अपना रोल निभाएगा या नहीं? क्योंकि वो कहता है कि दो अभियुक्तों का ट्रायल बराबर चल रहा हो तो उसकी अभियुक्त उसकी सह स्वीकृति उसके कन्फेशन को कंसिडर किया जा सकता है, कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये टेक्निकल पॉइंट है, कन्फेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसे कंसिडर किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, मगर सिर्फ उसी के आधार पर, जब तक अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वहां पर ना हो और कोई आई विटनेस ना हो, तो क्या केवल आपके सह अभियुक्त के कन्फेशन के आधार पर उसको सजा दी जा सकती है? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर मोटिव था, यहाँ पर एक बात, एक रोल और चीज है कि मोटिव और सेक्शन 30, सह अभियुक्त का बयान और मोटिव, दो चीजें, दो ही ग्राउंड बनते हैं कि किसी भी आपके इस अभियुक्त को कन्विक्ट किया जा सके। इसके अलावा तीसरा कोई ग्राउंड नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई सरकमस्टेंशियल एविडेंस नहीं था, और कुछ वहां पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन उस इस आधार पर अक्यूज को कन्विक्शन की ओर लेकर जाए, कोर्ट उसको कन्विक्ट करे, ऐसा कोई आधार नहीं था। सिर्फ यहाँ पर आधार था सेक्शन 30, जो कहता है कि सह अभियुक्त की गवाही को कंसिडर किया जा सकता है, सह अभियुक्त की कन्फेशन को कंसिडर किया जा सकता है, कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज द मेजर पॉइंट, कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, कंसिडर किया जा सकता। दूसरा, मोटिव। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीरा सिंह के पास मोटिव था बदले का, कि उसके बॉस ने उसको निकाल दिया था, तो मोटिव उसके पास जरूर था, लेकिन वो मोटिव ही सफिशियंट प्लेटफॉर्म नहीं था इसको कन्विक्ट करने का। वो मोटिव ही नहीं था जिससे उसके प्लेटफॉर्म पर कन्विक्ट किया जाए, मोटिव तो अदर 5 लोगों के पास भी था, तो मोटिव को भी यहाँ पर सजा देने का जो है यार्ड स्टिक या बेस नहीं बना सकते। सेक्शन 30 वैसे फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है, केवल सह अभियुक्त के कन्फेशन के आधार पर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया कि यहाँ पर जो गुरु बच्चन सिंह का जो स्टेटमेंट है वो वहां पर कोई रोल नहीं निभाता है, कोई उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि केवल गुरु बच्चन सिंह के कन्फेशन के आधार पर कश्मीरा सिंह को सजा नहीं दी जा सकती। गुरु बच्चन सिंह ने इस मामले में कोई अपील नहीं की थी, इसलिए उसको सजा हो गई। कश्मीरा सिंह ने इस मामले में अपील की थी तो कोर्ट ने ये कंसिडरेशन दिया कि यहाँ पर कश्मीरा सिंह को इस आधार पर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता कि गुरु बच्चन सिंह के कन्फेशन के आधार पर सेक्शन 30 कंसिडर कर सकता है, कन्विक्ट नहीं कर सकता, केवल इसके आधार पर। अदर कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वहां पर मौजूद हैं तो इसके आधार पर वो कर सकता है। रिक्शा पुलर की गवाही को इसलिए नहीं माना गया, क्यों? क्योंकि बनाया था, लाइसेंस नहीं था, उस दिन रिक्शा चलाना चालू किया था, तो ये ऑथेंटिसिटी कनेक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आई है। और गुरु बच्चन सिंह की कन्फेशन को इसलिए नहीं माना गया, एक तो वो उसका दोस्त था, थोड़ी देर पहले ही दोस्त बना था, और दूसरी बात, यहाँ पर उसके इसने खुद ही कन्फेशन नहीं किया, उसके कन्फेशन के आधार पर इसको सजा नहीं दी जा सकती थी। इस आधार पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 30 का बहुत अच्छा एलिब्रेशन किया, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लैंडमार्क डिसीजन।
बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसने 40 और सेक्शन 30 को बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया। उम्मीद है आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताएं हमारे मोटिवेशन के बारे में, हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छा कंटेंट, अच्छी प्रेजेंटेशन आपके लिए लेकर आएं जो आपके करियर के लिए माइलस्टोन साबित हो, कॉर्नर स्टोन साबित हो, फाउंडेशन स्टोन साबित हो। इसी के साथ आप सबको हार्दिक नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।